नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में, चैनल जिसका नाम है ब्रिजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे ब्रिजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। 30 अप्रैल 2019 को शनि और केतु वक्री हो रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत अधिक नुकसान कर सकते हैं। चार ऐसी राशियां जिनको बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है, आज उनके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। जब शनि और केतु वक्री होते हैं तो नुकसान करते हैं, और जब दो ग्रह इकट्ठे वक्री होते हैं तो और अधिक नुकसान करते हैं। बीच में दोनों की डिग्री 26 सेम हो जाएगी, उस समय में और अधिक नुकसान करेंगे। तो आने वाला समय आप लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन चार राशियों का जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं, उनको अधिक नुकसान होने के चांसेस हैं। तो सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है कि कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, हम सावधान रहें ताकि आगे बढ़ सकें। शनि और केतु जिन पर चल रहे हैं उनको और अधिक नुकसान होगा, यानी जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है उनको और अधिक नुकसान होगा। सबसे पहली राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि आप कोई ऑपरेशन करवाना चाहते थे तो आने वाले 4 या 5 महीने आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो वाहन बड़े ध्यान से चलाइए। यदि आप रोगी हैं तो अपने डॉक्टर को अच्छी तरह से दिखाइए, अपना उपचार करवाते रहिए, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला समय है। इस समय में आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, आपकी दुर्घटना हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। परंतु यदि आप पर महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तब एक्चुअल में कुंडली देखकर पता चलता है। जन्म कुंडली में यदि आपके ये ग्रह नीच हों तो अधिक फल मिलता है, कम नीच हों तो कम फल मिलता है। तो ये वृष राशि वालों को सावधान रहना होगा, दुश्मनों से भी, बदनामी से भी, चोट से भी। सबसे बड़ी बात है गिरना या एक्सीडेंट होना। तो इसलिए मैं इनको एक सलाह दूंगा कि ये आने वाले 4 महीने में 30 अप्रैल के बाद हफ्ते में एक बार खुद हॉस्पिटल चले जाया करें और वहाँ कुछ खा पी कर आ जाया करें, तो इनका एक उपाय हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उपाय होगा, ये ज़रूर करना चाहिए। और यदि लगे कि शारीरिक रूप से नुकसान अधिक हो रहा है तो सरसों का तेल या अल्कोहल, इनकी कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरा दें। शनिवार नारियल, काला कपड़ा, माँ की दाल, सरसों का तेल, लोहे का कील शनि मंदिर में चढ़ाएँ, पीपल की सेवा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। तो ये आपके मेन उपाय हैं, आप ये करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, यदि आपको शारीरिक रूप से अधिक कष्ट हो रहा है तो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारी राशि यानी कौन सी राशि देखें, क्योंकि लोगों की नाम की राशि हो रहा है, जन्म की राशि और है। तो राशि कोई भी हो, सभी राशियाँ आप पर असर करती हैं। प्रत्येक राशि आप पर असर करेगी, जो भी आपकी चाहे नाम की राशि है, चाहे डेट ऑफ बर्थ की राशि है। क्योंकि ये सब राशियों का असर आप पर होता है। ये आपने चेक करना है कि कौन सी राशि आप पर ज़्यादा असर करती है। कर्क राशि, दूसरी जो राशि है कर्क राशि है। कर्क राशि वालों को भी मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है, वह भी फिसल कर गिर सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कर्क राशि वालों को भी। पहली राशि वृष थी, दूसरी राशि कर्क है, इसको भी बहुत अधिक ध्यान देना है। और जो उपाय मैंने वृष राशि को बताए हैं, वही उपाय ये करें तो इनको भी लाभ मिलेगा। ध्यान रखें अपनी सेहत का, अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखें। इनके ग्रस्त में भी थोड़ी प्रॉब्लम आने के संकेत नज़र आ रहे हैं, दुश्मनों के बढ़ने के संकेत भी नज़र आ रहे हैं। इसलिए बहुत अधिक ध्यान दें और वाद विवाद ना करें, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे तीसरी राशि की। तीसरी राशि है तुला राशि।
तुला राशि वालों को इस समय में मित्र वियोग सहना पड़ सकता है, यानी उनके किसी खास व्यक्ति की, पति की, पत्नी की मृत्यु हो सकती है और छोटे भाई बहनों की मृत्यु हो सकती है, कष्ट सहने पड़ सकते हैं, चोट लग सकती है, पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कोई उनको धोखा दे सकता है, पैर फिसल कर वह भी गिर सकते हैं, दुर्घटना उनके भी साथ हो सकती है। इसलिए आने वाले 5 महीने सितंबर तक बिल्कुल अलर्ट रहें और बहुत अधिक ध्यान दें, कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए, और जो उपाय मैंने बताए हैं वृष राशि में वो उपाय करें। वृष राशि में इसके पूरे उपाय बताए गए हैं, वही उपाय सभी ने करने हैं। तुला राशि को अपनी सेहत, अपने दोस्तों की सेहत, अपने जीवन साथी की सेहत और अपने भाई बहनों की सेहत की तरफ विशेष ध्यान देना है और सरसों का तेल या अल्कोहल की कुछ बूंद जमीन पर गिराते रहना है और शनिवार नारियल, काला कपड़ा, माँ की दाल, सरसों का तेल, लोहे का कील शनि मंदिर में देते रहना है। तो अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों को इस समय में वृष राशि जैसे असर मिल सकते हैं, यानी चोट लग सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, नुकसान हो सकता है। और जो मकर राशि के लिए सबसे बड़ी बात है वह है धोखा मिलना, तो बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए धोखा ना मिले और कुछ नया जिंदगी में घटक बुरा ना हो जाए, तो बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है इन चारों राशियों को, क्योंकि आने वाला समय इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और इस खतरनाक समय से बचने के लिए जो हमें सावधान रहना होगा, यानी मकर राशि वालों को भी सावधान रहना है, तुला राशि वालों को भी सावधान रहना है, वृष राशि वालों को भी सावधान रहना है और कर्क राशि वालों को भी सावधान रहना है। चाहे ये आपकी लग्न राशि हो, चाहे ये आपकी नाम राशि हो, चाहे ये आपकी जन्म राशि हो, सभी में असर आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप नुकसान रहे। और मैंने आपको बताया है कि यदि आपके महादशा या अंतरदशा शनि की या केतु की चल रही है तो ज़्यादा असर मिलेगा, और जिनकी जन्म कुंडली में दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं उनको भी ज़्यादा असर मिलेगा, तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा, जिनके उच्च के बैठे होते हैं उनको कम नुकसान मिलेगा। इसलिए जब भी गोचर में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हमें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार चलना चाहिए, देखना चाहिए, उसी के हिसाब से हमें बुरे या अच्छे फल मिलते हैं और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं या पीछे रह सकते हैं। तो अब मैं उपाय आपको एक बार फिर बता दूं कि सभी को पीपल की सेवा करनी चाहिए और दूसरा सरसों के तेल या अल्कोहल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराते रहिए, इससे आप काफ़ी बचाव होता रहेगा। ज़मीन पर गिराएं, कच्ची ज़मीन पर। शनिवार नारियल, काला कपड़ा, माँ की दाल, सरसों का तेल, लोहे का कील शनि मंदिर में चढ़ाते रहिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने ड्रॉप्स बताए हैं वो ज़रूर गिराते रहिए, उनसे आपको लाभ मिलेगा। और एक नारियल रविवार के दिन आप मंदिर में चढ़ा दिया करें और दाएं पैर के अंगूठे पर रेशम का सफ़ेद धागा बांध लें, दाएं पैर के अंगूठे पर रेशम का सफ़ेद धागा बांध लें, इससे केतु भी शांत रहेगा। और एक दो रंगा कंबल, काला सफ़ेद, जिसमें दोनों रंग हो, किसी मंदिर में डोनेट कर दें, इससे भी आपका केतु शांत रहेगा और आपको लाभ मिलेगा और नुकसान बहुत कम होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रिज मंसूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो WhatsApp पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो आप WhatsApp पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्मपत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं, परंतु जन्मपत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको
नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्मपत्री में होता है। जब हम जन्मपत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।